हाय गाइज जय हिंद फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू डीटीडी क्लासरूम द वे ऑफ सक्सेस। तो फ्रेंड्स देखंतु ओडिसा पोस्टल सर्कल आपनकर 42 नंबर्स ऑफ पोस्टर वैकेंसी आसी, तो से वैकेंसी रिलेटेड आम आज वीडियो रे आलोचना करबा। आपनकर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, ता सहित आपनकर स्पोर्ट्स इवेंट रे को लेवल रे सर्टिफिकेट रहबा निहाति दरकार, एंड सिलेक्शन प्रोसीजर एज क्राइटेरिया। तो एवरीथिंग डिटेल्स रे जानिया पई वीडियो फर्स्ट टू शेष पर्यंत देखंतु, एंड वीडियो रे जदि चैनल नुवा अछि चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु लेटेस्ट अपडेट पई का। तो फ्रेंड्स देखंतु फर्स्ट ऑफ ऑल आपनकर पोस्टल असिस्टेंट, सर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टमैन एंड एमटीएस रो वैकेंसी आसी, ओके, जहाँ संपूर्ण भाव में स्पोर्ट्स पर्सन का ये वैकेंसी आसी, कौन सी नॉर्मल आपन अप्लाई करि परिबे नाही, ओनली एलिजिबल कैंडिडेट होचोंती आपनकर स्पोर्ट्स पर्सन। तो स्पोर्ट्स पर्सन माने आपन माने को लेवल रो सर्टिफिकेट रहितबा दरकार, ताहा मध्ये आमे वीडियो रे कहिबा, ओके। तो देखंतु आपनकर जो फर्स्ट पोस्ट आसी तार सैलरी रोचे, आपड़ जब पी एस ए रे अप्लाई करुँ आप सिलेक्शन हो 25,500 रु 81,500 आप बेसिक पे रोचे, देन ता सहित आपंकर टीए डी एवरीथिंग अलाउंस जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब से अनुसार आपंकर पे स्केल आसी। पोस्टमैन पाई रही 21,700 एंड एमटीएस पाई 18,000, ओके। तो ये हूँ पे स्केल, तापर देखो आपंकर एज क्राइटेरिया। तो एज रही आपंकर जो मैंने पीएसए अप्लाई कर 18 रु 27 वर्ष पर्यंत, जो मैंने पोस्टमैन अप्लाई कर 18 रु 27 वर्ष, एंड जो मैंने एमटीएस अप्लाई कर 18 रु 25 वर्ष पर्यंत अप्लाई करेंगे। या छा आपंकर एज रिलैक्सेशन रही, जो मैंने ओबीसी कैंडिडेट से 3 ईयर एंड एससी एसटी 5 ईयर रिलैक्सेशन, सब पोस्ट समान रिलैक्सेशन रही, ओके फ्रेंड्स। देन आसीगला आपंकर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूर्व आप देखते वैकेंसी को डिविजन कतोटी रही है। तो फ्रेंड्स ये टोटल टू आप स्क्रीनशॉट नहीं पारे, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दीजिए, आप पीडीएफ टी डाउनलोड करेंगे, से जापरेंगे आपंकर को डिविजन कतोटी वैकेंसी एंड को पोस्ट का वैकेंसी रही। तो देखते मुझे गोटे कहूँ, जमी आप देखिए ब्रह्मपुर डिविजन का आपंकर पीए का गोटे पोस्ट रही, एंड पोस्टमैन का गोटे पोस्ट रही। तो एमती सब डिविजन का वैकेंसी रही, आपखिपे आपण मैंने डिविजन सिलेक्शन कर अप्लाई करेंगे। तो ऑल ओडिशा कैंडिडेट आपसी डिविजन का अप्लाई करेंगे, ना कि आप डिस्ट्रिक्ट अच्छा से डिस्ट्रिक्ट नुहे, आपसी डिस्ट्रिक्ट रही डिस्ट्रिक्ट अप्लाई करेंगे, ओके। तो ये थिला टोटल डिटेल्स। तापर देखंतु ट्रेनिंग, आपण जदि ट्रेनिंग नौचंदी, ट्रेनिंग विल बी कैंडिडेट सिलेक्टेड एज पर प्रिस्क्राइब्ड, ओके। तो ट्रेनिंग 1 ईयर ट्रेनिंग रहिबो, देन आपणको रहिछि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो फ्रेंड्स जो मैंने पीएसए पाएगा अप्लाई करेंगे से माने मोस्ट प्लस टू पास करथिबा निहाती दरकार, ओके। तो प्लस टू पास करथिबे, किंतु जो मैंने वोकेशनल रे प्लस टू पास करथिबे तो से माने एलिजिबल नुहंती। फर्स्ट ऑफ ऑल एटा समस्त क्लियर हूँ, वोकेशनल स्ट्रीम को से एलिजिबल करना, जो मैंने वोकेशनल प्लस टू करेंगे तो से माने एलिजिबल नुहंती। देन आसी जाऊँ आपंकर 60 डेज रे कंप्यूटर कोर्स करथिबा निहाती दरकार, जो मैंने प्लस टू आप आर्ट्स हूँ कि साइंस हूँ कि कमर्स हूँ, देन ता सहित आपंकर 60 डेज कंप्यूटर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट बा कंप्यूटर कोर्स रही दरकार, ता सहित आपंकर स्पोर्ट्स इवेंट सर्टिफिकेट रही दरकार। तो वीडियो चैनल शेष पर्यटन देखो, आप रखी आपंकर को लेवल सर्टिफिकेट स्पोर्ट्स रही आवश्यक। तो देन आसूसी पोस्टमैन, तो पोस्टमैन का प्लस टू पास करेंगे निहाती आवश्यक, प्लस टू जब आप वोकेशनल स्ट्रीम करुँच देन आपलीजिबल नुंती, सहित आप 60 डेज कंप्यूटर कोर्स रही आवश्यक। देन रही आप नॉलेज ऑफ ओडिया, तो प्रति पोस्ट का आपको नॉलेज ऑफ ओडिया निहाती भाव रही दरकार, जेहेतु ओडिया होची हमर लोकल लैंग्वेज। देन स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट रही दरकार, ता सहित आपको टू व्हीलर जोर टू व्हीलर मोटर व्हीकल लाइट लाइसेंस रही आवश्यक, ओके। तो यहाँ ध्यान देवे आपंकर लाइसेंस रही निहाती आवश्यक। देन रही आप एमटीएस, तो एमटीएस आप ओनली 10th पास कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, से ओडिया लैंग्वेज मस्ट 10th रही आवश्यक, सहित स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट रही दरकार, ओके फ्रेंड्स। ये ऑल टोटल डिटेल्स आपको कही रखिले, जी आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सहित एसेंशियल क्वालिफिकेशन कौन रही आवश्यक, एज क्राइटेरिया एंड कतोटी पोस्ट रही, सहित आपंकर को डिविजन कतोटी पोस्ट रही, एंड देन फाइनाली आम आलोचना करवा स्पोर्ट्स इवेंट, ओके। तो स्पोर्ट्स इवेंट आपने देखु टोटल नंबर ऑफ आप 64 नंबर ऑफ कैटेगरी दे आप 64 कैटेगरी स्पोर्ट्स इवेंट देखिए रही आपर देखते बास्केटबॉल रही, बॉल बैडमिंटन रही, बेसबॉल रही, आप रग्बी रही, रोइंग रही, आप जेकोसी स्ट्रीम जेकोसी कैटेगरी स्पोर्ट्स इवेंट कर आवश्यक, किंतु आपखे जो सर्टिफिकेट रही दरकार ता इंटरनेशनल कंपिटिशन, नेशनल कंपिटिशन, इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट, नेशनल स्पोर्ट्स और गेम फॉर स्कूल और फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव। तो ये जो टेबुलटी देखुंत,
କାଟାଗୋରୀର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରହିଥିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରହିଛି ତାହା ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଫ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫେଡେରେସନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଗେମ୍ କନ୍ସର୍ଣ୍ଣ ଦେଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦେନ୍ ଯଦି ଆପଣ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି, ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଫ୍ ଦି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫେଡେରେସନ୍ ଅର୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଗେମ୍ କନ୍ସର୍ଣ୍ଣ, ଯଦି ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଫ୍ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ଇନଭର୍ସ ଆପଣ ଇଣ୍ଟର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟି ଡିନ୍ ଅଫ୍ ଦ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ଅର୍ ଅଦର ଅଫିସର୍ସ ଇନ୍ ଓଭର୍ ଅଲ୍ ଚାର୍ଜେସ୍ ଅଫ୍ ଦ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ମାନେ ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଏମିତି ନାହିଁ ଆପଣ କୌଣସି ଗୋଟେ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି ସ୍ପୋର୍ଟସର, ତ ତାକୁ ଆପଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟେ ପାଇଛନ୍ତି, ସେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି, ଡିରେକ୍ଟର ଅର୍ ଆଡିସନାଲ୍ ଜଏଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ, ଡେପୁଟି ଡିରେକ୍ଟର ଅର୍ ଓଭର୍ ଅଲ୍ ଚାର୍ଜ ଅଫ୍ ଦ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ, ଯେ ଚାର୍ଜ ନେଇଥିବେ ଟୋଟାଲ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସର ଅଥରାଇଜ୍ ପର୍ସନ୍, ସେ ଦେଇଥିବା ଦରକାର ସେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଭ୍ୟାଲିଡ଼୍ ହେବ। ଓକେ, ତ ଇଏ ହେଉଛି ଅଲ୍ ଟୋଟାଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଆପ୍ ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଫି ରହିଛି, ତ ଟୋଟାଲ୍ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର 100 ଟଙ୍କା ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଫି ରହିଛି, ତ 100 ଟଙ୍କା ଆପଣ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଫି ଦେବେ, ତା ସହିତ ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଓକେ, ତ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଫି ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ଦ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହାଜ୍ ଟୁ ପେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ଅଫ୍ 100 ଇ ପେମେଣ୍ଟ। ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିଥିବେ ଅନଲାଇନ୍ ଆସିଯିବ, ଆପଣଙ୍କର ଚାଲାଣ ଆସିଯିବ, ସେଇଠି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ଇଏ ହେଉଛି ଅଲ୍ ଟୋଟାଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଯେଉଁମାନେ ଏଲିଜିବଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଅଛନ୍ତି, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ, ଅଲରେଡ଼ି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇସାରିଲାଣି। ଆଣ୍ଡ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥି କିଏ ବି ଅଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ରିଲେଟିଭ୍ରେ କିଏ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ପର୍ସନ୍ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଜବ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୋଷ୍ଟିଂ, ତ ଜଲ୍ଦି ସେମାନଙ୍କୁ କହିଦିଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଯଦି ଇଲିଜିବୁଲ୍ ଅଛନ୍ତି। ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଇ ହୋପ୍ କି ସମସ୍ତ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର୍ ହୋଇସାରିଥିବ। ଯଦି କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ଦେନ୍ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଣ୍ଡ ଏମିତି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସାଥିରେ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଜୟ ହିନ୍ଦ।